श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का सातवां आठवां महीना बहुत ही खास लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इन लक्षणों को आप नोटिस करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, सातवें आठवें महीने में कुछ खास निशानियाँ गर्भवती महिला में दिखाई देती हैं जिससे आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है, केवल आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई ये वीडियो है। तो इस वीडियो को गलत मतलब से ना देखें और ना ही कोई गलत कदम उठाएं, केवल इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले लक्षण की बात करें तो अगर आपको सातवें आठवें महीने में देखिए गर्भवती महिला की जो नाभि होती है अगर वो काफ़ी ज़्यादा आपको बाहर दिखाई दे रही है और आपकी नाभि बहुत ज़्यादा डार्क है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। देखिए, कई गर्भवती महिलाओं में नाभि बाहर नहीं निकलती, लेकिन बहुत सी गर्भवती महिलाओं में बाहर निकलती है। अगर आपकी नाभि कपड़ों के ऊपर से भी दिख रही है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगली निशानी भी बहुत ही सटीक है। दोस्तों, सातवें आठवें महीने में देखिए आपको अपने बच्चे का जो वेट है वो नाभि के निचले हिस्से में यानी पेट के निचले वाले हिस्से में अगर आपको ज़्यादा महसूस होता है तो आप हाथ लगाकर भी मतलब महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चे का जो वेट है वो कहाँ पर फील हो रहा है। दोस्तों, जो घर में लड़का होता है तो वो सातवें आठवें महीने में देखिए अपनी पोजिशन लेने लगता है, अपना हेड डाउन करने लगता है और आपको अपने निचले हिस्से में अपने बच्चे की मूवमेंट उसका वेट फील होता है और वहाँ पर ज़्यादा आपको उसकी मूवमेंट फील होती है। अगला लक्षण बहुत सी गर्भवती महिलाओं में देखा गया है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर गर्भवती महिला के जो नाखून हैं बार बार टूट रहे हैं यानी आपके नाखून बढ़ नहीं रहे लेकिन नाखून बार बार टूट रहे हैं और बहुत सी गर्भवती महिलाओं के तो नाखून भी बहुत ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं, नाखून का बार बार टूटना और पीला पड़ना ये भी लड़का होने का साइन माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, ये लक्षण देखिए 100% बिल्कुल सही निकलता है। अगर सातवें आठवें महीने में गर्भवती महिला का जो पेट है वो नीचे की तरफ झुकने लग गया है और कमर की तरफ से आपका पेट बहुत ज़्यादा हल्का हो गया यानी बहुत ज़्यादा जैसे पहले मोटा था मतलब आपकी कमर मोटी थी लेकिन अब पतली हो गई है और जो बेबी का जो वेट है आपको पूरा नीचे की तरफ महसूस हो रहा है यानी नीचे की तरफ उसका संकुचन आपको दिखाई दे रहा है, पेट आपको मतलब एक ही जगह पर मतलब इकट्ठा दिखाई दे रहा है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला साइन भी बहुत ही सटीक है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला की जो नाभि लाइन है देखिए सातवें आठवें महीने में गर्भवती महिला की नाभि लाइन बन चुकी होती है, अगर आपकी नाभि लाइन पूरे सीने तक नीचे से लेकर सीने तक अगर बिल्कुल सीधी है बहुत ज़्यादा डार्क है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगली निशानी है दोस्तों, सातवें आठवें महीने में अगर गर्भवती महिला का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके पैरों में पिंडलियों में ऐठन दर्द रहता है, कमर में दर्द है और पैरों में अगर आपके स्वेलिंग तक आ गई है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगली निशानी भी बहुत ही सटीक है दोस्तों, इसको आप देखिए कई बार नोटिस कर सकते हैं। अगर गर्भवती महिला चलने के लिए देखिए सीधे पैर को आगे बढ़ाती है और बैठकर उठने के लिए अगर सीधे हाथ का सहारा लेती है तो ये साइन में देखिए लड़का होने का माना जाता है। वहीं पर अगर सातवें आठवें महीने से गर्भवती महिला की जो निप्पल है यानी ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसमें से दूध जैसा पानी लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, अगर वो लिक्विड गाढ़ा होता है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। एक अलग ही मतलब साइन में आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, कई गर्भवती महिलाओं में ये देखा गया है, अगर गर्भवती महिला को अपनी जो नोज़ है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा या मोटी दिखाई देती है तो ये साइन में देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला साइन है दोस्तों, अगर आपका देखिए सातवां आठवां महीना चल रहा है और आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाई देता है, आपको देखिए चलने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बारी देखिए आप जब मतलब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आपको बैठने में उठने में बहुत ज़्यादा मतलब खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, आपको उठने बैठने में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर को दिखाई दे रहा है, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आपको देखिए नीचे की तरफ आपको ज़्यादातर मतलब दर्द महसूस
सुझता है अपने प्राइवेट पार्ट पर ज़्यादा दर्द होता है यानी जांघों में दर्द रहता है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों सातवें आठवें महीने से अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग गई है और आपको इंटरनल पार्ट पर खिंचाव सा चुभन सा महसूस होता है, क्योंकि माना जाता है कि जब लड़का होता है तो सातवें आठवें महीने से वो अपनी पोजीशन ले लेता है जिसकी वजह से आपको अपने इंटरनल पार्ट पर खिंचाव चुभन जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे हमने लक्षण बताए हैं जो सातवें आठवें महीने में लड़का होने की निशानी मानी जाती है और अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये देखी गई है। तो दोस्तों आप इनसे एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं लेकिन कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही वीडियो को देखा करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।